गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज बुक ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7। कल आपका हमने चैप्टर 2 रीड कराया था, आज आपको ये जो आपका चैप्टर रखा था यह एक्सप्लेन करेंगे। द डाइजेस्टिव प्रोसेस, पाचन प्रक्रिया। द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस द माउथ, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन इन द माउथ, पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। फूड इज पार्टली ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ सलाइवरी एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेक डाउन स्ट्रेचेस इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फूड इज पार्टली ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ द च्यूइंग। फूड इस प्रक्रिया में सबसे पहले चबाया जाता है एंड बाय द केमिकल एक्शन सलाइवरी। सलाइवरी मीन्स लार और एंजाइम्स मीन्स हारमोन्स। लार हारमोन्स द्वारा जो कि सलाइवरी काइंड्स जो कि लार ग्रंथि में होते हैं। फूड इज बीटन एंड च्यूड बाय द टीथ, भोजन काटा और चबाया जाता है दांतों के द्वारा। टीथ, द टीथ आर हार्ड वाइड स्ट्रक्चर फाउंड इन द माउथ ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स। टीथ जो है एक सफ़ेद आकार का आकृति होती है जो मानव और दूसरे जानवरों के शरीर में मुंह में पाए जाते हैं। एंड यूजली आर यूज फॉर मैस्टिकेशन, जो कि प्राय चबाने के लिए यूज किए जाते हैं। ह्यूमंस हु आर ओमनिवोरस, मानव जो कि सर्वाहारी हैव टीथ बिलोंग्स, जिसके जो दांत रखता है फंक्शनिंग स्ट्रक्चर समवेयर बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ स्पेसिफाइड अटेंड बाय द टीथ ऑफ कार्निवर्स एंड हर्बिवर्स, जिसके द्वारा वह कार्निवर और शाकाहारी और मांसाहारियों को खा सकता है। द मेंबर्स ऑफ वन क्लास ऑफ वर्टिब्रेट द थर्ड द बर्ड हैव नो टू टीथ। जो पीठ की रीढ़ वाले जंतु होते हैं उनके जो वन क्लास के जो मेम सदस्य होते हैं, जो पक्षी होते हैं, दे हैव नो टू टीथ, उनके दांत नहीं होते। टीथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दांतों का विकास और उगना मतलब होना। एट बिटवीन 6 and 10 मंथ ऑफ एज मोस्ट इन्फेंट्स बिगिन टू गेट देयर बेबी टीथ। 6 और 10 महीने के उम्र में जो बच्चा होता है वह अपने बेबी टीथ आते हैं, उसके मीन्स निकल आते हैं। द सेंट्रल इंसाइसर्स यूजली कम इन फर्स्ट, सबसे पहले जो सेंट्रल केंद्र के जो इंसाइसर्स दांत होते हैं वो निकलते हैं एंड देन टीथ बिगिन अपीयरिंग ऑन देयर अदर साइड, और उसके बाद साइड के दांत निकलते हैं। एंड वर्क देयर बैक टू सेकेंड मोलर्स, और उसके बाद वे सेकेंड मोलर्स निकलते हैं। बाय द टाइम अ चाइल्ड हैज़ रिच 3 ईयर्स ओल्ड, और जब बच्चा 3 साल का होता है मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ शुड बी प्रेजेंट, और बच्चे के बेबी टीथ सारे शो हो जाते हैं, निकल आते हैं। द प्रोसेस बिगिन टू रिपीट इटसेल्फ व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 7 ईयर्स ओल्ड, द सेंट्रल इंसाइसर फॉल आउट फर्स्ट। जब द सेंट्रल इंसाइसर जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं एंड रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ, और इसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। बाय द एज ऑफ 21 मोस्ट पीपल हैव ऑल ऑफ देयर परमानेंट टीथ, 21 साल के आसपास लगभग सभी व्यक्तियों के परमानेंट टीथ हो जाते हैं। बेबी टीथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, जो बेबी टीथ होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बिकॉज दे होल्ड द प्लेस फॉर परमानेंट टीथ एंड हेल्प गाइड देम इनटू करेक्ट पोजीशन, क्योंकि ये परमानेंट टीथों के लिए एक स्थान बनाने में और उनको करेक्ट पोजीशन देने में बहुत मददगार होते हैं। बेबी टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड च्यूइंग, बेबी टीथ चबाने में और उच्चारण करने, बच्चे के बोलने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, व्हाट डू दे डू, एडल्ट ह्यूमंस टिपिकली हैव 32, 16 इन अपर जो एंड 16 इन द लोअर जो। जो ह्यूमंस होते हैं एडल्ट, उनके 32 दांत होते हैं अपर जो में 16 और नीचे वाले लोअर मीन्स नीचे वाले जबड़े में 16। डेट फिट टूगेदर एंड वर्क इन कंसेंट टू च्यू फूड, ये दांतों को च्यू करने वो भोजन को चबाने में मदद करती हैं। टीथ ऑन द राइट साइड ऑफ ईच जो आर यूजली आइडेंटिकल टू द टीथ और ऑन द लेफ्ट साइड एंड मैचिंग टीथ ऑन अपोजिट साइड्स आर रेफर टू एज सेट्स ऑन पेयर्स। ह्यूमंस आर हेट्रोडोंट्स, दैट इज दे हैव टीथ ऑफ डिफरेंट साइज, ह्यूमंस के जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट्स होते हैं, मीन्स वो अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। सच एज दे हैव टू डिफरेंट साइज एंड शेप, सर्व डिफरेंट फंक्शन सच एज स्टीयरिंग ग्राइंडिंग, वे अलग अलग आकार के होते हैं, ऐसे वे अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि भोजन को काटने का और चबाने का। इन
In contrast, the hominin teeth found in many animals are the same size and shape and perform the same function. और इसके विपरीत जानवरों में जो दांत पाए जाते हैं वे एक ही आकार के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, जिन्हें होमोडेंट कहते हैं, और वो एक ही कार्य करते हैं. हमंस हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ. हमंस के चार प्रकार के दांत होते हैं, ईच विद अ स्पेसिफिक साइज, शेप एंड फंक्शन, जो कि एक विशेष प्रकार का आकार और कार्य करता है. एडल्ट हमन हैव एट इंसाइजर्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ. हमंस के जो होते हैं इंसाइजर आठ होते हैं, जो कि मुंह में सामने की ओर दिखाई देते हैं, फॉर इन द अपर जो एंड फॉर इन द लोअर जो, जो कि जबड़े के ऊपर की तरफ चार और नीचे के जबड़े में चार दिखाई देते हैं. हैव ए शार्प एज इंसाइजर्स के जो किनारे होते हैं नोकीले होते हैं. डेट इज यूज टू फैंग्स ऑफ डॉग. द अपर कैनाइन आर समटाइम्स कॉल्ड आई टीथ. दे आर टू कैनाइन इन ईच जो एंड देयर प्राइमरी रोल इज टू टीयर फूड. इसका जो कैनिन जो आपके टीथ होते हैं जो रोल होता है जो क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है. बिहाइंड द कैनाइन आर द बिस्क्यूट्स और प्रीमोलर्स फ्लैट टीथ विद प्रोनाउंस्ड कप्स दैट ग्राइंड एंड मैश फूड. देर आर टू सेट्स और फोर बिस्क्यूट्स इज ईच जो. बिहाइंड द बिस्क्यूट्स आर द मोलर्स. दे आर द मोस्ट वेजुअस स्विंग. ओके, देयर आर 12 मॉलर्स. मॉलर्स कितने होते हैं? 12. थ्री सेट्स इन ईच जो. हर एक जो में तीन सेट होते हैं. इनके रेफर टू एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मॉलर्स, जो कि पहले रेफर करता है, निर्देशित करता है पहले वालों को, दूसरे को, फिर उसके बाद थर्ड को. थर्ड मॉलर्स आर ऑफन कॉल्ड विजडम टीथ. जो थर्ड मॉलर्स होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं. दे डेवलप थाउजेंड ऑफ ईयर एगो व्हेन ह्यूमन डाइट कंसिस्टेड मोस्टली रो. जब वे जब विकसित हुए थे, जब ह्यूमन्स कच्चा रोमिन्स कच्चा भोजन खाता था एंड अ प्रोसेस्ड फूड और कच्चा भोजन खाता था, डेट रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा च्युइंग, जिसके लिए अलग से विशेष चबाने के लिए ताकत की जरूरत थी दांतों को. टुडे विजडम टीथ आर नॉट नीडेड फॉर च्युइंग. लेकिन आजकल विजडम दांतों की जरूरत नहीं है चबाने के लिए, क्योंकि बिकॉज दे कैन क्रॉड अदर टीथ, क्योंकि इससे दांतों में भी बहुत सारे दांत हो जाते हैं और ऑफन रिमूव और ये अपने आप ही हट जाती हैं. टंग. टंग मीन्स जीभ. टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. टंग जो है एक फ्लैशी लचीला ऑर्गन है. अंग इज अटैच्ड एट द बैक एंड फ्री एट द फ्रंट. ये पीछे से जुड़ा होता है लेकिन सामने से फ्री होता है. इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. ये किसी भी दिशा में घूम सकता है. टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट. जो इस पर बर्ड्स होती हैं इसकी वजह इसकी हेल्प से हमें उसके स्वाद का भोजन के स्वाद का पता लगता है. इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड. इसकी चार प्रकार की होती हैं, साल्टी, स्वीट, सॉर एंड बिटर, जिससे हमें नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वे का अनुभव होता है. इट परफॉर्म्स द फ्लॉमिंग फंक्शंस. ये बहुत सारे फंक्शन करता है, कार्य करता है. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द स्वीट फूड विद सलाइवा. ये जो हम भोजन जो दांतों द्वारा चबाया जाता है, सलाइवा मीन्स थूक, थूक में मिक्स करता है. इट हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड. इट हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स. और ये भोजन को स्वाद बनाने में बताने में भी मदद करता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. एंड कल मैं आपको ये बाकी जो आपका चैप्टर है ये एक्सप्लेन करूँगी. So will you try also? Okay, thanks.